जय श्री राधे मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जैसे शनि की साढ़े साती आ जाती है या शनि की ढाई आ जाती है या शनि की दशा अंतरदशा जब आपको प्रवेश करते हैं तो पीड़ाएं बढ़ जाती है। शनि के नाम से ही एक अजीब सा भय समा जाता है। ऐसा लगता है कि शनि ने हमारा सब कुछ जीवन ही दुश्वार कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि दुख का कारक है और जो दुख का कारक है वो सुख कैसे दे सकता है? सुख लेने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बातों में रोना, हर छोटी छोटी बातों में दुखी होना, या हमें इससे बचना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए हमें प्रयत्न करना है कि बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और ईश्वर आराधना के प्रति अपने मन को लगाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं। परंतु फल तो जो मिलना है, शुभ या अशुभ, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। अलग वीडियो में मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं शनि के विषय में, परंतु इसमें हम कुछ इस नियम को बता रहे हैं कि आप अपने शनि, जो आपकी दशा अंतरदशा हो या साढ़े साती हो या अढ़ैया हो, जो भी चल रहा है उसे आप जानने की चेष्टा करें कि आपको फल कैसा मिलेगा। और बहुत छोटा और साधारण सा उपाय है फल जानने के लिए। जैसे पहला कार्य करें कि शनि जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र से अपनी नक्षत्र तक, जो आपका नक्षत्र है, उस नक्षत्र को आप गिनती करें। शनि जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र तक, जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं उसको आप काउंट करें और एक पुरुषाकृति चक्र बनाए, पुरुष की आकृति का एक चक्र बनाए, टेबल। आप चाहें तो ऐसे बना के रख भी सकते हैं और उसके ऊपर जैसे मुंह में एक नक्षत्र को रखें, उसके गुदा मार्ग यानी गुह्य मार्ग पर लगभग दो और तीन नक्षत्र को रखें, अंक डालें, उसकी आंखों पे चार और पांच, उसके सिर पे छह से लेकर के आठ तक, ने छह सात आठ तीन नक्षत्रों को, आंखों में उसके नौ दस ग्यारह बारह और तेरह, ने नौ से लेकर के तेरह तक लिखें अंक, और बाएं हाथ में उसे चौदह से लेकर के सत्रह तक, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, और पैरों में उसे 18 से लेकर के 23 तक का अंक डालें। जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, और दाहिने हाथ में आप 24 से लेकर के 27 अंक तक का अंक डालें। यह एक प्रकार की आकृति बना लें। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आप शनि जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वह नक्षत्र से, और जिस नक्षत्र में आपका जन्म है उस नक्षत्र तक आपको गिनती करनी है। अगर शनि के जन्म नक्षत्र, शनि के नक्षत्र से आपका जन्म नक्षत्र पहले पार्ट में आ रहा है, एक नक्षत्र में एक ही अंक आ रहा है, तो आप याद रखें कि वह मुंह में पड़ रहा है, तो वह सुख शांति को देने वाला है। अगर वह शनि का नक्षत्र से आपका जन्म नक्षत्र दूसरे और तीसरे, यानी दूसरे में आए, दूसरा नंबर आए या तीसरा नंबर आए, तो आप याद रखें कि वह गुदा मार्ग पे है, यानी गुह्य मार्ग पे, पीछे के पार्ट पे। वहां से आपको रोग भय, यानी रोग होने की संभावनाएं, यानी वह समय आपको रोग देने का कार्य करेगा, उसमें रोग की उत्पत्ति होगी। जिस शरीर में, जिसमें आपको लगता है कि यहां से हमें यह संभावनाएं रोग बढ़ने की है या रोग उत्पन्न होने की है, तो आप उस संभावनाओं से बचने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें और वैसे कार्य न करें। अगर आपको
चौथे और पांचवें पर आता है तो निश्चित है कि आंखों के ऊपर इसका प्रभाव है। तो यह क्या करेगा, मन की कल्पना के अनुसार सभी कार्यों में आपको सफलताएं प्रदान कराएगा। आप जो भी चिंतन करेंगे जिस भी कार्य का, वह कार्य आपके अनुकूल होगा। पर ध्यान इतना ध्यान रखना है कि आप अपने प्रति नकारात्मक सोच को न बढ़ने दें। अगर नकारात्मक सोच बढ़ेगा तो आपका नकारात्मक होगा, नहीं आप अपने प्रति सही मार्ग से चलेंगे तो सही बढ़ाएगा, अगर गलत मार्ग पे जाएंगे तो गलत। और अगर सिर पे है यानी 6 से लेकर के 8 तक तो राज्य सम्मान यानी कि आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ एवं सुख की प्राप्ति कराएगा जब तक यह उस नक्षत्र में रहेगा शनि गोचर में। ध्यान रखें कि जब तक शनि जिस नक्षत्र से आप काउंट कर रहे हैं उस नक्षत्र में जब तक शनि है, अगर चेंज हो रहा है तो फिर अगला आप चेंज करके देख सकते हैं। ऐसे आप लगातार अपने को बदलते हुए क्रम से आप अपने फलादेश को जान सकते हैं। अगला, अगर वह 6 से लेकर के वह 9वें नक्षत्र से और 13 नक्षत्र के अंतर्गत आता है तो वह आरोग्य की प्राप्ति यानी कि आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुख की प्राप्ति होगी और लाभ सर्वत्र आपको लाभ की लाभ दिखेगा। अगर वह 14 से 17 नक्षत्र के अंतर्गत आ जाए तो निश्चित जान लीजिए कि उस समय चिंता बढ़ जाएगी, मानसिक विक्षिप्तता बढ़ेगी, दुख अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और आपको पता चलेगा कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या कारण है, उनसे बचने का आपको और प्रयत्न करना चाहिए कि हमें यह न हो। अगर आप 18 से लेकर के 23 नक्षत्र के अंतर्गत हैं तो यह शारीरिक कष्ट को बढ़ाता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की व्याधियां या दर्द या पीड़ाएं, आपको शरीर में किसी न किसी प्रकार के चोट की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके दाहिने हाथ में 24 नक्षत्र से लेकर के 27 नक्षत्र के अंतर्गत आता है, 24 से 27, तो निश्चित याद रखिए कि यह मंगल कार्य यानी घर में किसी न किसी प्रकार का मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, सुख मिलेगा और लाभ के योग बनेंगे। इस प्रकार से एक यह श्रीपति जी का बताया गया है, आचार्य श्रीपति के द्वारा यह निर्देशित चक्र है। इस चक्र के द्वारा आप देख सकते हैं, हाँ अगर हम जिस राशि को देख रहे हैं तो आप अष्टक वर्ग में भी जाकर के शनि के अष्टक वर्ग में, जिसको हम कहते हैं भिन्नाष्टक वर्ग, आप उसके उन अष्टक वर्ग में जाकर के आप शनि को देख सकते हैं कि शनि किस राशि में गोचर कर रहा है आपकी, तो आपके जन्मांग चक्र से तो जिस राशि में गोचर कर रहा है उसको वहां पे मिला कितना है, तो यह फलों को आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपको सही सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर चार से नीचे है तो निश्चित है कष्ट होगा। अगर यहाँ पे आपको फल अच्छा मिल रहा है, वहां 4 से कम है तो फल सम हो जाएगा, ना आपको अच्छा मिलेगा ना आपको बुरा मिलेगा। अगर 4 से ऊपर है और यहाँ पे अच्छा है तो निश्चित है फल की वृद्धि होगी और आपको सद्य फल की प्राप्ति होगी। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं कि जहां पे हम देखते हैं कि अरे हमारा तो बहुत अच्छा समय चल रहा है फिर हमें अच्छे फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, तो कारण कई होते हैं। गोचर को देखने का एक तरीका है यह, दूसरा एक तरीका है अष्टक वर्ग, तो आप इनसे भी इनका प्रयोग करके आप सद्य अपने फलों को देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना उपाय करके अपने को बच सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पीड़ाएं ज्यादा हो रही हैं या शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु की भी रचना की है, तो हनुमान बाहु का पाठ करके आप अपने आरोग्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, अगर शत्रुता की वृद्धि हो रही है परंतु आप अपने शत्रु स्वयं न हो तो बजरंग बाण का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि कौन सा पाठ कब करना है, कौन सी पूजन करनी है और किस निमित्त करनी है, वह उस भाव से अगर उसमें यह प्रदर्शित किया गया है तभी आप करें। यही प्रयोग और भी अन्य आचार्यों ने टेबल बनाने के बाद बताया है कि आप जन्मांग माने अपने जन्म नक्षत्र से शनि के जिस जन्म नक्षत्र में गोचर कर रहा है वहां से जन्म नक्षत्र तक गिनती करने पर अगर
आता है तो यह भी फल है। ऐसा कई आचार्यों ने बताया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भिन्नता है, परंतु इसमें जो विशेषतः अपने सब ज्यादा प्रयोग करते हैं, एक लल्ला आचार का और दूसरा श्रीपति जी का ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो आप दोनों को प्रयोग में ला सकते हैं। दोनों के लिए भी देखना है तो आप हमें, दूसरे का भी आपको बता सकता हूं, जैसे लल्ला जी आचार्य का जो बताया गया टेबल है उसके द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो जो आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आपको लगे, और सबसे सही बात यह है कि जो आप काउंट करें और जिसमें आपका फलादेश आपको सही रूप से निर्देशित करता मिले, वही आप उसको सही मान करके उस टेबल का प्रयोग करें। लल्ल जी आचार्य के रूप में जैसा उन्होंने बताया कि पहले शनि जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वहां से अपने जन्म नक्षत्र तक गिनती करनी है, ठीक मनुष्याकृति के रूप में ही उनको देखना है। आपको देखना यह है कि अगर एक पहला नक्षत्र यानी कि शनि नक्षत्र से आपका जन्म नक्षत्र एक आ रहा है काउंट पे, तो मानसिक चिंता और कष्ट की अधिकता यह बढ़ जाएगी। अगर वह 2 से 3 में आ रहा है तो शारीरिक कष्ट और अस्वस्थता यानी कि स्वास्थ्य की गिरावट आएगी और शारीरिक कष्ट बढ़ेगा शरीर में। अगर 4 से 5 के अंतर्गत आ रहा है तो लाभ, प्रगति और सम्मान यह सर्वत्र आपको प्राप्त होंगे। अगर 6 से 8 में आ रहा है तो राज सम्मान और आपकी प्रगति होगी, आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। ये मात्र केवल शनि के लिए ही ध्यान रखिएगा। अगर वह 9 से 12 के अंतर्गत है तो ये शारीरिक कष्ट को देने वाला है, शरीर को कष्ट देने वाला होगा। अगर 13 से 17 के अंतर्गत ये आ रहा है तो निश्चित ध्यान रखें कि यह लाभ, सुख और व्यावसायिक प्रगति और उन्नति में आपकी सहभागिता करेगा। व्यावसायिक उन्नति हो, लाभ हो, यह सर्वत्र हर जगह आपको लाभ देगा। अगर आपको 18 से लेकर के 20 तक की हो तो आप निश्चित याद रखें उस समय पराधीनता और परिश्रम ज्यादा, यानी कि कहीं न कहीं बंधक बनेंगे, किसी न किसी के हम प्रभाव में आकर के उसके कार्य करेंगे या वहाँ बंधक या नौकर के रूप में रहेंगे और हम अपने मन का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, साथ में परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा। 21 से 23 के अंतर्गत अगर आता है तो पराधीनता और परिश्रम ज्यादा, वहाँ भी हमें नौकर के रूप में और परिश्रम भी ज्यादा करना है और हमारा अपना कोई मन, हमारा अपना कोई विचार मान्य नहीं होगा, ऐसी जगह हमें कार्य करना पड़ेगा या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, अपना खुद का सब कुछ होते हुए भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला होता है कि अगर 24 से लेकर के 27 नक्षत्र के अंतर्गत आता है तो यह आर्थिक लाभ बढ़ेगा, साथ में व्यवसायिक प्रभाव भी बढ़ेगा। हमने क्या कहा था कि आप इसका प्रयोग अष्टक वर्ग कुंडली के साथ मिला करके करें तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। उसमें सामंजस्य स्थापित करें, दोनों को मिलाएं और दोनों को देखें कि किसका फल आपको घटित हो रहा है। जिनके फल ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं उनको देखें। चाहे तो आप इसका आराम से टेबल बनाएं और इसको सुन करके आप बनाएं, बना करके आप इसके ऊपर टिप्पणी भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्रश्न भी कर सकते हैं। जय श्री राधे।